नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमास खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं आलू का स्नैक्स। आलू के स्नैक्स तो आपने बहुत तरीके का खाया होगा, बट आज हम आपके सामने बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया यूनिक रेसिपी है, एक से दो इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और कोई भी बना सकता है आराम से, 15 से 20 मिनट में आराम से। उससे भी कम टाइम लगता है, अगर पूरा प्रोसेस देखें तो 15-20 मिनट में लेके बनने तक का आराम से बना लोगे। तो आइए आपके सामने हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ प्लेट लिया है और यहाँ पे लिया है हमने 3 आलू बड़ा साइज का, ये देखिए 3 साइज बड़े साइज का आलू लिया है, 2 ओनियन लिया है जिसे हमने कट कर लिया है। इसे हमें क्या करना है, घिसना है। घिसने के लिए हमने बहुत ही ये जो है पतला वाला ये हम, क्योंकि हमको लच्छा नहीं चाहिए। लच्छे जो होते हैं ना ऐसे नमकीन बनाने के लिए या कुछ और पकौड़े में भी जैसे लच्छे बनाते हैं, वैसे लच्छे नहीं चाहिए हमको। थोड़ा बारीक सा आलू का वो चाहिए, तो हम इसे ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बारीक हो रहा है इससे, इसकी वजह से हम लेकिन ये टाइम टेकअप करेगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया, देखिए बिल्कुल बारीक है, ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक है। इस तरीके से हम जैसे अदरक वगैरह हम घसते हैं ना, उसी से घस रहे हैं, बिल्कुल बारीक वाले से घस लेंगे। जितनी बारीक रहेगी उतना ही बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आलू को घस लिया है, एक ओनियन भी घस लिया है, एक बचा है जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं भी इसके अंदर जो है ये इस ओनियन को भी, दोनों ओनियन को मैंने इसी के अंदर घस लिया है। और यहाँ देखिए ये जो आलू है ना बहुत सारा जो है पानी छोड़ रहा है, ये पानी छोड़ेगा क्योंकि प्याज में भी है मॉइस्चर ज़्यादा है और आलू में भी। तो फटाफट हम इसे बना लेंगे। तो हमने बाउल से पानी निकाल लिया है और यहाँ पे घसा हुआ सामग्री को हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया है। अब इसे हमें थोड़ा सा आटे की डो जैसा ना, मतलब इतना कर देना है, बिल्कुल आटे भी जैसा नहीं, बॉन्डिंग अच्छी हो इसकी, उस तरीके से हमें इसे बनाना है। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी हमने लिया है यहाँ पे मैदा, ये छना हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाए तो, यहाँ पे हमने लिया है चावल का आटा, इसे भी हमने छान लिया है। अगर ये सामग्री आपके पास नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं आरारोट डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आरारोट बेसन नहीं है तो सिर्फ मैदा भी डाल सकते हैं। अगर मैदा नहीं है तो आप घर में जो है वो आराम से आप कॉर्नफ्लोर होता है वो डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ हाफ ऐड कर लेती हूँ और इन सबको मिक्स करूँगी। इसमें हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी है, चावल का आटा और यहाँ पे मैदा। और इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो बारीक कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा टेस्टी के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगे इसलिए हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और यहाँ पे हम डाल लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, इसमें 4 चम्मच लगाएगा। जीरा हमने भुना है, घर का ही बना है। यहाँ इसमें देखिए आपको हल्का हल्का दाने भी दिख रहे होंगे, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा भी है, बट थोड़ा सा धनिया मैं बारीक वाला डालूंगी क्योंकि इसके अंदर धनिया का मात्रा कम है। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर अलग से डाल रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच। और इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लिया है जिसको हम बारीक काट लेंगे इसके अंदर, ये देखिए थोड़ा सा तीखा होगा और चटपटा होगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाला है और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमें इतना चाहिए कि इसकी बॉन्डिंग जो है अच्छे से हो जाए, हमें लग रहा है ये हो जाएगा इतना में ही, ये देखिए
ये स्नैक्स खाने में बहुत ही बढ़िया है और कम ऑयल में भी बनता है। तो फटाफट आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें, बनाएं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमें इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लावर, ना ही मैदा और ना ही बेसन, कोई भी इंग्रेडिएंट से आप उसको मिला के फिर बाउंडिंग के लिए मिलाया जाता है, तो बाउंडिंग उसकी अच्छी हो इसके लिए हमने इसमें सारी सामग्री मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए नमक और मिर्ची सब अच्छे से परफेक्ट मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखिए हो चुका है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गरम कर दिया है तवा। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक नहीं लिया है, नॉर्मली तवा लिया है जिसमें हम रोटी बनाते हैं। तेल हमने इसमें अच्छे से यूज कर लिया है यहाँ पे देखिए। और अब हम इसको तवे पे स्नैक्स बना लेंगे। ये भी हमारे ऊपर वो करता है कि कैसे बनाना है। अगर आपको ज़्यादा टिक्की जैसे बनानी है तो आप टिक्की बना सकते हैं, या थोड़ा सा फैला के बड़ा बड़ा सा बनाना है तो आप उसे बड़ा भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का ही बना रही हूँ। यहाँ पे तवा हमारे अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था और यहाँ पे हम इस तरीके से करते हुए इसे हम राउंड राउंड शेप देंगे, गोल कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से तरीके से जो है इसे हमें राउंड कर लेना है इसमें, और हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेकना भी है। इस पहले हम अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे साइड साइड से करके हम इसे राउंड कर लेंगे। आप चकोर साइज भी दे सकते हैं, आपका च्वाइस है, जैसा चाहिए आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे राउंड में दे देते हैं सेब। ये देखिए ये देखिए इसको हम साइड साइड से जो है ज़्यादा पतला भी नहीं रखे हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं किए, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरीके से आप राउंड शेप दे लें या गोल गोल टिक्की जैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी डाल रहे हैं। आप चाहे तो अंदर में भी फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, बट हमें इसमें थोड़ा सा जो है कसूरी मेथी डाल रहे हैं। और इसको हम चम्मच के साथ ही दबा देंगे। ये देखिए आप चाहे तो उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे ऊपर से डाला है। नीचे गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा हम इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऑयल का मात्रा अच्छा से दिया था और तवा गर्म होना चाहिए तो ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे सिक जाएगा। ये देखिए सिक गया है, बट फिर भी हम किनारे से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि इसको हम अच्छे से क्रिस्पी बना सके। स्नैक्स है तो बहुत बढ़िया बना के खा सके इसे, बहुत टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। देखिए क्या कलर आया है कील के इसका। और ये देखिए हमारा स्नैक्स अब बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत नाइस। इसे अल्टी पल्टी करके हम सेकेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए पूरा फुल फ्लेम है हमारा। पहले तो नरम ताव पे इसके सेक देना है, उसके बाद थोड़ा सा गोल्डन क्रिस्पी होने के लिए इसे थोड़ा सा हमने जो है पूरा फुल पे रखा है इसे, ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए और कलर भी बढ़िया खिल के आए। अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो आलू का स्नैक्स बन के रेडी है हमारा। दोनों तरीके से जो है अल्टी पल्टी करके हमने अच्छे तरीके से सेक लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है और खाने में उतना ही लाजवाब है। गैस को ऑफ करेंगे और ये हमारा जो पराठा है ना दो हुआ है, बट मैं पहले ही आपके साथ पहला बना के ही सर्व कर रही हूँ। तो फटाफट इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी, बट मैं ये आपके साथ पहले सर्व कर लूँ। तो लीजिए आइए इसे हम कट कर लेते हैं।
ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आ रही होगी आपको, और खाने में उतना ही मज़ेदार रेसिपी। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, आपको भी ये चाय के साथ बहुत मज़ा आने वाला है खाने में, चाय के साथ ज़रूर बनाएं। और ये गर्मा गर्म स्नैक्स बन के आलू का हमारे पास रेडी है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है, मज़ेदार रेसिपी है, आप इस तरीके से अपने घर में बनाएं। हमने यहाँ सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, आपको जो चटनी पसंद है उसके साथ बनाएं खाएं, और अपना कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।